अभी मैं एक ऐसे लीडर्स को आऊंगा जिन्होंने माइंड पावर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और हमारे पूरे सेफ शॉप इंडस्ट्री में, पूरे सेफ शॉप परिवार में, पूरे हमारे ग्रुप में वो ही एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर भरोसा किया और मैंने जितनी भी टेक्निक आज तक उनको बताई उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उन्होंने भी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाया है। आप में प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग के अंदर जो चीजें आपने अपने प्रति बना करके रखी हुई है उसमें प्रॉब्लम है। तो अब इससे दूर कैसे होंगे, इससे बाहर कैसे आएंगे? तो मैं आपको वो टेक्निक भी देने वाला हूँ। मैंने आपको वादा किया था कि वो ऐसी टेक्निक दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप जिंदगी के जितने भी काम है आपको काम करने में आनंद आएगा और आप बहुत मजे से इन सारी चीजों को करके कामयाब हो पाएंगे। कैसे करना पड़ेगा? तो एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं 21 डेज फार्मूला। 21 डेज फार्मूला जो है वो इस तरह से कुछ वर्क करता है कि आपको जिस भी काम को करने के लिए कहा जाता है, अपन इस बिजनेस की बात करते हैं कि सेफ शॉप बिजनेस को करने के लिए कुछ सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज है जिनको हमें परफॉर्म करना पड़ता है बार बार, और जब हम उन एक्टिविटीज को दिल से अच्छे से करते हैं तो हम कामयाब होते चले जाते हैं। और मैं एक चीज आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो कामयाब इंसान है ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग तरीके का काम करते हैं, कुछ स्पेशल काम करते हैं, और जो फेलियर लोग हैं कुछ अलग तरीके के काम करते हैं। काम जो होता है वो काम होता है, वही छोटे छोटे काम को कंसिस्टेंसी के साथ में जब कोई इंसान करता है तो वो सफल हो जाता है, और जब कोई इंसान काम को करता है और करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वो आदमी अनसक्सेसफुल होता है, फेलियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमको अपने दिमाग में ये बात बैठाना है कि इस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी काम में सफल होने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है आपको, कि आपका जो माइंडसेट जो बचपन में किसी किसी वजह से प्रोग्राम्ड हो गया है उसको ठीक करने के लिए ये एक जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करें। करना क्या पड़ेगा आपको, जब भी, क्योंकि मैं इस बिजनेस की बात बता रहा हूँ, इस बिजनेस में कामयाबी के गुण मैं सिखा रहा हूँ, तो इस बिजनेस में आपकी अपलाइन के माध्यम से, आपके सिस्टम के माध्यम से, जो बने बनाए तरीके हैं उसके माध्यम से जो कुछ भी बताया जाता है, चाहे वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की बात हो, चाहे प्लान दिखाने की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, चाहे आपकी ग्रुप मीटिंग की बात हो, जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनको आपको करने के लिए कहा जाता है लेकिन आप चाह करके भी नहीं करते हैं, इन्विटेशन है, प्लान शो करना है, आप चाह कर भी नहीं करते हैं, तो आपको एक ही काम करना है कि आपको उस काम को जिसको करना जरूरी है इस बिजनेस में काम करने के लिए, आपको लगातार 21 डेज विदाउट फेल आपको उस काम को लगातार करना है। आपको छोड़ना नहीं है, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। यदि काम 21 डेज में एक भी दिन का गैप आ गया तो फिर जब आप शुरू करोगे तो आपको वहीं से शुरू करना है पहला दिन। इस तरीके से 21 डेज लगातार रिपीट 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 आपको प्लान दिखाना, अच्छा लगे तब भी करना है, नहीं लगे तब भी करना है। रिकमेंडेड बुक प्रोग्राम होता है, आपको पढ़ना अच्छा लगे चाहे ना लगे, आपको रोज करना मतलब रोज करना है। और मैं आपको दोस्तों बिलीव दिलाता हूँ कि यदि आपने 21 डेज के फार्मूला को अपनी आदतों के बदलाव के लिए या नई हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए या जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको उनमें महारत हासिल करने के लिए, सिर्फ एक ही चीज है कि आप उस काम को 21 डेज तक लगातार करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा 21 डेज के बाद में जब 22nd डे आएगा तो आप उस काम को किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं, आप उसके बगैर रह नहीं पाओगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप किताब पढ़ने का आपको बोला जाता है जिससे मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, आपको टेक्निक्स मिलती है, लेकिन हम जी चुराते हैं, हमको लगता है कि किताब पढ़ने से हमारा कमीशन थोड़ी ना आने वाला है, किताब पढ़ने से ये थोड़ी ना होने वाला है, लेकिन ये पूरा का पूरा लोगों का बिजनेस है। जब तक आप अपने इंटरनल चेंजेस नहीं करेंगे, एटीट्यूड पर काम नहीं करेंगे, तब तक कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ने की वजह से 50 प्रॉब्लम होती है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए, बुक्स रीडिंग के लिए, और 21 डेज तक विदाउट फेल आपको रोज 4-5 पन्ने पढ़ने। और जब ऐसा करेंगे तो 22nd डेज में आप बगैर किताब पढ़े रह नहीं पाओगे, ये मैं आपको दावा भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ कि ये टेक्निक आपके काम आने वाली है। हर 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 वो चीज जो आपको बताई जाती है और आप जी चुराते हैं, 21 डेज का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, इसका इस्तेमाल करें।
एक बार में एक चीज के लिए भी कर सकते हैं और एक साथ पांच चीजों को भी एक साथ 21 डे तक लगातार कर सकते हैं। यदि आपको कामयाबी जल्दी चाहिए तो 5 या 10 काम जो आपकी अपलाइन बताती है, जो आपके ग्रुप के लोग बताते हैं, जो सिस्टम बताता है, उनको आप नोट कर लीजिए और वो 5 काम 10 काम रोज करिए। आपको यदि बोला जाता है कि ट्रेनिंग आपको जरूर देखना है, मोटिवेशनल आपको हमारे जो कामयाब लीडर्स हैं उनके यूट्यूब पर वीडियोस देखने हैं, बुक्स पढ़नी है, जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है आपको 21 डेज तक करना है। अभी ये आपके हाथ में है कि आप एक काम को लेकर के 21 डेज करते हो या 10 काम को लेकर के 21 डेज करते हो या 5 काम को लेकर के 21 डेज उन 5 कामों को करते हो। यही एक ऐसा एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हमने किया, हमारे जितने भी कामयाब लीडर्स हैं उन्होंने किया और अपनी जिंदगियों को सफल बनाया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें